सर्दियों का मौसम आते ही मन करता है गाजर का हलवा बनाने का और खाना का। जानती हूँ कि यह सभी को बनाना आता है, लेकिन मैंने इसे किस तरीके से बनाया मैं अपने तरीके को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए और इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए कि आपको कैसा लगता है। सबसे पहले मैंने गाजर को कद्दूकस करके इस कढ़ाई में डाल दिया है और उसका पानी जलने के लिए रख दिया है। जब गाजर अपना सारा पानी जो है सोख रही है, बार बार चला के हमें इसे चलाते रहना पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से चलाए जा रही हूँ। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी जो कि मलाईदार है, फुल क्रीम। ये 1 किलो गाजर थी और 1.5 किलो दूध है जो मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए दूध डालने के बाद में हमें इसे वापस गैस को जो है तेज गैस पे इसको चलाना है। जब सारा दूध जलने लगे तो हमें इसमें थोड़ा सा जो है शक्कर ऐड करनी है। जब सारा दूध जल जाएगा उसके बाद, और 1 कटोरी शक्कर मैंने इसमें ली है क्योंकि गाजर में ऑलरेडी स्वीटनेस होती ही है। और इसको फिर वापस मैं चला रही हूँ। ये देखिए पूरा मिल्क जो है गाजर ने जो है उसको सोख दिया है। इसके बाद में ये थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ही आप शक्कर डालेंगे तो ये वापस जो है थोड़ा पानी छोड़ने लगेगा। इसको भी हमें पूरा जो है पानी को सोख करने तक जलाना पड़ेगा। अब मेरे पास थोड़ी सी मलाई है फ्रेश जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एंड वापस जो है सारा जो है हमें चलाना होगा। ये देखिए दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये ना बहुत हेल्दी है। बिल्कुल भी इसमें जो है घी का यूज़ हम जो है थोड़ा सा करेंगे। और ये देखिए मैंने इसमें कुटी हुई जो इलायची है वो डाल रही हूँ। और देखिए तैयार है हमारा गाजर का हलवा।